वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आर्थिक हालात पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि देश में नहीं है आर्थिक मंदी के हालात, विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है समुचित प्रयास। पृथ्वी पर नजर रखने वाले भारत के उपग्रह कार्टोसैट 3 और अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह को लेकर जाने वाले पीएसएलवी C-47 का आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। दिव्यांगजनों को बेहतर जीवन जीने के लिए और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश के सभी बस स्टेशनों पर दिव्यांग स्टॉल खोलने का लिया निर्णय। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पहले दिव्यांग स्टॉल का किया उद्घाटन। और जल संरक्षण संचयन को लेकर जन जागरूकता के लिए बांदा की केन नदी में प्रशासन द्वारा भव्य आरती की हुई शुरुआत। प्रत्येक मंगलवार को वहां पर होगी आरती। नमस्कार, मैं दिलशाद, समाचार विस्तार से। देश के आर्थिक हालात पर राज्यसभा में हुई बहस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार सभी जरूरी प्रयास कर रही है, सभी कदम देश की भलाई के लिए लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रोथ भले ही कुछ कम हुई हो, लेकिन देश में आर्थिक मंदी के हालात नहीं है। साथ ही सरकार ने महंगाई को नियंत्रित किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ 7.4 एट द एंड ऑफ 2009-14, वेयर इट इंक्रीज्ड टू 8.4 एट द एंड ऑफ 2019, which is 14-19 onwards, NDA 1, sir. I'll also refer to manufacturing real GVA growth, gross value addition growth. At the end of UPA 2, sir, 2009-14, 5.3 was the manufacturing real GVA growth, gross value addition growth, whereas at the end of 2014-19, NDA 1, it rose to 8.4%. So let's keep that in mind, sir. और पृथ्वी पर नजर रखने वाले भारत के उपग्रह कार्टोसैट 3 और अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह लेकर जाने वाले पीएसएलवी C-47 का आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएसएलवी 47 ने कार्टोसैट 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि कार्टोसैट 3 तीसरी पीढ़ी का दक्ष उन्नत उपग्रह है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता के 7 कैमरे वहां लगे हुए हैं। कार्टोसैट का कुल वजन 1625 किलोग्राम है। मिशन अगले 5 वर्ष तक काम करता रहेगा। व्यापक पैमाने पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे विकास तटीय भूमि के उपयोग की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मदद करेगा। पीएसएलवी C-47 की पीएसएलवी की एक्सल कॉन्फिगरेशन में 21वीं उड़ान है। पीएसएलवी C-47 अमेरिका के 13 वाणिज्यिक नैन्य उपग्रहों को भी लेकर गया है। I am extremely happy to declare that PSLV C-47 precisely injected Cartosat 3 and 13 customer satellites successfully in the desired orbit of 509 km. Cartosat 3 is the Indian highest resolution civilian spacecraft. It is also a most complex and advanced earth observation satellite ISRO has built so far. संसद में भी इसरो की फीट थपथपाई गई है। शीतकालीन सत्र के इस मौजूदा सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएसएलवी C-47 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के इसरो टीम को बधाई दी। आज इसरो ने एक बार फिर PSLV रॉकेट को का सफल प्रक्षेपण किया है। इस रॉकेट ने स्वदेशी कार्टोसेट 3 उपग्रह के अलावा अमेरिका के एक दर्जन से अधिक नैनो सैटेलाइट को भी उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक छोड़ा है। कार्टोसैट 3 उपग्रह हमारे देश की हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता को बढ़ाएगा। इस सफल प्रक्षेपण ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है।
कार्टोसैट 3 की सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि मैं स्वदेश निर्मित उपग्रह कार्टोसैट 3 और करीब दर्जन भर अमेरिका के नैनो उपग्रहों के पीएसएलवी C-47 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए जाने को लेकर इसरो की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आधुनिक कार्टोसैट 3 से अपनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इसरो ने एक बार फिर से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड हमेशा से पेयजल की समस्या तो कभी सूखे की मार झेलता रहता है, जिसके चलते बांदा जिला प्रशासन द्वारा विगत एक वर्ष से जल संरक्षण और संचयन को लेकर जन जागरूकता के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बांदा की जीवनदायिनी केन नदी में प्रशासन द्वारा भव्य आरती का आयोजन शुरू किया गया है। जिला प्रशासन की पहल पर प्रत्येक मंगलवार को वहां पर आरती होगी। आरती करने का उद्देश्य लोगों को जल संचय करने और नदी तालाब कुओं को संरक्षित कर जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं की मौजूदगी में आरती की शुरुआत की और इसके बाद नदी में दीपदान कर लोगों को नदी के महत्व को समझने और उससे जुड़ने का संदेश दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी दीपदान करके नदी को संरक्षित करने का संकल्प लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि बुंदेलखंड में बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है और यहाँ तालाब भी काफी मात्रा में हैं, लेकिन यहाँ के लोग जल संचय नहीं करते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये एक प्रयास है कि लोग जल का महत्व समझें, नदी तालाबों में जल संरक्षित करें और उनके महत्व को समझते हुए उनका संरक्षण भी करें। लोगों को केवल इतना पता है भाई के नदी है, बांदा से बहती है, ये नहीं पता कि वो के नदी का पानी उनके जीवन में क्या क्या कर रहा है और क्या क्या उनके लिए हो रहा है। तो आज हम लोगों के आरती करने का प्रयोजन यही था। ये भी उसी जो वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम विगत एक साल से ज़्यादा से चल रहा है, उसी का अगला पार्ट है कि नदी के जल के प्रति लोगों के मन में आदर सम्मान का भाव पैदा करना, नदी और नदी के जल के प्रति लोगों को का लगाव पैदा करना और उनको नदी के नज़दीक ले जाना, जिससे कि उनके समझ में आ जाए कि नदी के जल से हमें क्या क्या फायदा है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को बेहतर जीवन जीने के लिए और मुख्य धारा से जोड़कर स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश के सभी बस स्टेशनों पर दिव्यांग स्टॉल खोलने का निर्णय लिया है। लखनऊ में आज पहले स्टॉल का उद्घाटन प्रदेश के सड़क परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कैसरबाग बस स्टैंड पर किया। इसी तरह की कैंटीन अन्य जिलों में भी खोली जाएंगी। इस अवसर पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है ताकि वो अपना जीवन यापन आम लोगों की तरह कर सकें। माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का सपना है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, दलित, शोषित, वंचित और पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जैसे दिव्यांगजन समाज में आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी उनको सम्मान मिलना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। इसी कारण आदरणीय मोदी जी, योगी जी, आप देखे होंगे कि कुंभ जैसे महाकुंभ में भी ऐसे सफाई कर्मियों का पैर धोने का कोई काम किया है तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। आज लखनऊ में कॉरपोरेशन बैंक का बिजनेस बैंक रिव्यू कॉन्क्लेव आयोजित हुआ, जिसमें कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक पीवी भारती ने बैंक कर्मियों से ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात कही। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन बैंक एमएसएमई और कृषि क्षेत्र में और ज्यादा व्यापार बढ़ाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बैंक मर्जर के बाद और नई कार्ययोजना जमीन पर लाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बैंक ग्राहकों से मुलाकात कर उनका अनुभव जाना। हमारे साथ हैं कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध महानिदेशक पीवी भारती जी। आइए जानते हैं क्या कुछ खास करने जा रहा है कॉरपोरेशन बैंक। हम कॉरपोरेशन बैंक से यही उम्मीद रखते हैं। हम अभी फरवरी 19 से पीसीए से बाहर आए हैं और तब से हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।
तो एक एक हर एक फील्ड में, जैसे हमारा कासा है, हमारा इस साल का जो फोकस था वो तो कासा और रिटेल एडवांसेस एंड रिटेल डिपॉजिट्स और इसी और रिकवरी, ये हम सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इस साल हमारे हमारे एम्प्लॉयज़ को ये टारगेट दिया है, दिस विल बी 19-20 विल बी अ ईयर ऑफ रिकवरी एंड ग्रोथ। सो ऑल दी डायरेक्शंस, हम जो भी डायरेक्शंस उनको दे रहे हैं और जो नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं वो सब इसी की तरफ है। जैसे हम अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं रिटेल लोन की तरफ, रिटेल जैसे रिटेल एग्रीकल्चर और एम एस एम ई हमने दो तीन नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं कस्टमर्स के लिए, जैसे कॉर्प सुविधा, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कॉर्प जीएसटी है, जहां पे जीएसटी का डिले है, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जीएसटी आने में देर लग रही है, तो वो कॉर्प जीएसटी लोन ले सकते हैं। ऐसे कई नए प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि लोगों के लिए सुविधा हो और हमारे एडवांसेस भी बढ़े और अच्छी तरह से अच्छे क्वालिटी के कस्टमर भी हमारे साथ आए। मर्जर जो है एक्चुअली वो तो अभी 1 अप्रैल से शायद होगा, अभी तक डेट तो फिक्स नहीं हुआ है। सिर्फ हम और आंध्रा बैंक यूनियन बैंक के साथ मर्ज होने वाले हैं। इससे ये फ़ायदा है कि जो अभी हमारे रैंकिंग है, मतलब अभी हमारा जो बिज़नेस है वो 3 लाख करोड़ के करीब है, और ये मर्जर के बाद हमारा बिज़नेस, हम 15 लाख करोड़ के बिज़नेस हो जाएगा हमारा। मैम, देखा गया था कि कॉरपोरेशन बैंक का परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा रहा है, खासतौर से जब NPA का एक दौर रहा, काफ़ी बैंकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ आगे लक्ष्य है आपके? हाँ बिल्कुल, अभी तो हमारे NPA तो पूरा हम लोग कंट्रोल में आ चुके हैं। पिछले साल हमें जो काफ़ी बड़ा कैपिटल मिला है, तकरीबन 9000 का कैपिटल हमें गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग अपना जो नेट NPA है उसको 6% से कम लेकर आए हैं, और पिछले 2 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो हमारी NPA नेट NPA जो है वो घटती जा रही है। ये रिकवरी के लिए हमने पूरी तरह से, जैसे हमला बोल करके एक नया स्कीम हम लोगों ने शुरू किया था 2 साल से, वो काफ़ी सक्सेस रहा, उससे हम लोग तकरीबन 6100 करोड़ के करीब हमने रिकवरी किया है। अभी ये 6 महीने में भी हमारा रिकवरी तकरीबन 2100 के करीब रहा है, और आगे भी हम कोशिश करते हैं कि इस साल भी हमारा इसी रिकवरी 5000 के करीब जरूर होगा। तो ये थी PV भारती जी, जो बता रही थी कॉरपोरेशन बैंक आने वाले दिनों में MSME सेक्टर में, कृषि में और ज़्यादा बिजनेस करेगा और ग्राहकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दी जाएंगी। दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, DD News लखनऊ। और अब आपको बताते हैं कि जनपद बलरामपुर स्थित तीनों चीनी मिलों के चलने से किसानों में खुशी है। 24-25 नवंबर को BCM यूनिट की बलरामपुर, 23 नवंबर को तुलसीपुर एवं 26 नवंबर को बजाज की हिंदुस्तान लिमिटेड ग्रुप की चीनी मिल ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ पिराई सत्र की शुरुआत कर दी है। जनपद में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। जिले में 169 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। बलरामपुर चीनी मिल ने 83 क्रय केंद्र, तुलसीपुर चीनी मिल ने 44 क्रय केंद्र और बजाज चीनी मिल ने 42 क्रय केंद्र गन्ना तोल के लिए बनाए हैं। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी क्रय केंद्रों पर निगरानी की जा रही है और किसानों के साथ छल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर व तुलसीपुर चीनी मिलों ने पिछले सत्र का संपूर्ण गन्ने का भुगतान कर दिया है, जबकि बजाज चीनी मिल का भी पेमेंट बाकी है जिसका भुगतान नियमानुसार हो रहा है। किसानों ने कहा है कि चीनी मिलों के चलने से पहली की फसल काटकर वो समय से गेहूं की बुराई कर सकेंगे और जिससे उन्हें गन्ने के बाद गेहूं की फसल का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जनपद की सभी तीनों चीनी मिलें चालू हो गई हैं तथा हम लोगों ने उनके सभी क्रय केंद्रों का प्रथम दृष्टया निरीक्षण कर लिया है और सभी संचालित हैं। अगर भविष्य में अगर इस तरह कि किसी भी केंद्र पर जो किसी प्रकार की कमी पाई गई तो जो शासन की मंशा है, मंशानुरूप ही किसी भी दोषी व्यक्ति को मतलब वो नहीं रखा जाएगा, उसको अवश्य दंडित किया जाएगा। किसी प्रकार की इस तरह की कोई हरकत या किसानों के साथ मतलब किसी प्रकार की बदनीची या क्रय केंद्रों में किसी प्रकार का उपद्रव या घटतौली जैसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। चले से टाइम से मार गेहूँ बो जाए और टाइम से मतलब गन्ना भी बिक जाए और बहुत फायदा हो किसान। समय से नवंबर महीने में मिल चल जाने से किसानों को ये सुविधा मिली है कि समय से हमारा गन्ना कट के गेहूँ बो जाएगा, जो कि 15 दिसंबर तक गेहूँ की मध्य बुआई मानी जाती है। इससे ये होगा कि 15 दिसंबर तक हमको पैसा मिल जाएगा और खाद बीज के लिए हमको कोई असुविधा नहीं होगी और किसानों को बहुत अच्छा जो है इससे सुविधा मिलेगा। समाचार लगातार जारी है, रुक रहे छोटे से विराम के लिए।
माँ घर में कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी, ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर, सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर। चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। शिवसेना, राकपा, कांग्रेस गठबंधन ने मंगलवार की शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुना। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने गठबंधन को 3 दिसंबर तक बहुमत सिद्ध करने का समय दिया है। गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल को 166 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र सौंपा है। उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मथुरा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वृंदावन रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में आगमन के संभावित कार्यक्रम को लेकर मंडल आयुक्त एवं आईजी ने हेलीपैड से लेकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने वीवीआईपी के रूट का भी जायजा लिया। वो कल वृंदावन में 4 घंटे तक रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में शारदा ब्लॉक स्थित नवस्थापित कैंसर यूनिट का शुभारंभ करेंगे। अक्षय पात्र में आयोजित कार्यक्रम में यहां मिड डे मील का भोजन तैयार करने वाली रसोई का अवलोकन करेंगे। परिषदीय विद्यालयों के 20 बच्चों को भोजन कराएंगे। ठाकुर बाकी बिहारी के दर्शन करने जाएंगे। निकुंज वन में रामकथा प्रवक्ता संत विजय कौशल महाराज से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अफसरों ने प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया है। यहां पर तो 1 घंटा का प्रोग्राम है इन लोगों को, इनके बाद वहां हमारा मुख्यमंत्री का रहने का बात है। हमारा 3 सेशन में ये प्रोग्राम हम लोग कराया। फर्स्ट सेशन को बाद महामहिम को जाने का उम्मीद है। 2 सेशन में हम लोग बाद बाकी कार्यक्रम करेंगे। ये 28 तारीख को हमारा हॉस्पिटल में एक नया ब्लॉक का उद्घाटन करने के लिए, जिसको हमने शारदा ब्लॉक का नाम दिया है, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे आश्रम में पधारेंगे। और राष्ट्रपति जी के साथ हमारे गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहेंगे साथ में। और ये हमारा रामकृष्ण मिशन वृंदावन के लिए ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। इससे पहले 1963 में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी आए थे हमारा अभी जो हॉस्पिटल चल रहा है उसको उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद कई तरह का VIPs आए हैं, लेकिन 1963 के बाद प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के 5वें चरण में 21 और अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा नियमावली के नियम 56J के तहत 20 समूह के 21 कर अधिकारियों को भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं। जनपद गोंडा में इटियाथोक के भीकमपुरवा स्कूल की 3 नन्ही बच्चियां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने जा रही हैं। इसके पूर्व यहीं की नन्ही अंशिका मिश्रा ने कुछ ऐसा ही करके देश प्रदेश में अपना नाम चर्चा में लाया है। अब यहां की 3 नन्ही बच्चियां कक्षा 5 में पढ़ने वाली 10 साल की सुप्रिया वर्मा ने मयूरासन को सर्वाधिक 4 मिनट 5 सेकंड तक किया है। वहीं कक्षा 5 में ही पढ़ने वाली दूसरी 11 साल की काजल ने कुकुटासन को सर्वाधिक समय 14 मिनट 12 सेकंड तक किया है। इसके अलावा तीसरी 4 साल की कक्षा 1 में पढ़ने वाली छात्रा बबली ने एशिया महाद्वीप के देश व राजधानी के नाम सहित भारत के राज्य व उनकी राजधानियों के नाम एवं उत्तर प्रदेश के मंडलों व जिलों के नाम सबसे कम समय 2 मिनट 8 सेकंड में सुना रही है। साथ ही कक्षा 5 की छात्रा काजल ने जो है कुकुटासन 14 मिनट 12 सेकंड करके जो है सर्वाधिक समय के लिए इसने ये भी एक नई उपलब्धि हासिल की है। साथ ही बबली जो कक्षा 1 की छात्रा है
उसने जो है एशिया महाद्वीप के देश राजधानी और भारत के राज्य और राजधानी और उत्तर प्रदेश के मंडल व जिलों के नाम को रिकॉर्ड 2 मिनट 8 सेकंड में बताकर इसने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं पिछले वर्ष एक कक्षा 4 की बच्ची जो है अंशिका मिश्रा, उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तमाम रिकॉर्ड उसने कायम किया। इस बार ऑनलाइन ये प्रक्रिया इस बार मालूम हुआ है कि 3 बच्चे उस विद्यालय के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज करा रहे हैं। 2 बच्चे जो है योगा के क्षेत्र में और 1 बच्ची जो है सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम कक्षा 1 की बच्ची। समाचार अभी और भी है लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले देश के सबसे बड़े सालाना धार्मिक मेले की शुरुआत 10 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ हो रही है। माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार आई बाढ़ के चलते तैयारियां भी देर से शुरू हुई हैं। हालांकि अधिकारियों की बात माने तो 20 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। तंबुओं की नगरी को इस बार 5 सेक्टरों में आबाद किया जाएगा। वहीं स्थानांतरियों की सुविधाओं के लिए 5 पांटून पुल भी होंगे। इसके अलावा संगम व आसपास 14 स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बाद भी प्रयागराज के संगम तट पर इस बार फिर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर कोई माघ मेले के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के मौके पर आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए उतावला नजर आ रहा है। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5 पालटून के पुल भी बनाए जा रहे हैं। मेले में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माघ मेला अधिकारी के मुताबिक 20 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। सभी विभाग अपनी तैयारियां चालू कर दिए हैं। बिजली विभाग अपना पूरे सारे एरिया में लगभग अपने खंभे वो लगाता जा रहा है, तेजी के साथ उनका काम हो रहा है। जल निगम अपनी पाइपलाइन जो अस्थाई पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछती है वो बिछा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अपना सैनिटेशन को लेकर के पूरी अपनी प्लानिंग कर लिया है। PWD की चकट प्लेट्स पड़ रही हैं, उनके पीपे पुलों का काम काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। मेला प्रशासन की तरफ से भी सारे वेंडर्स फाइनल कर लिए गए हैं, उनका कार्य आवंटन हो चुका है। उनके द्वारा भी आपको जगह जगह काम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी समतलीकरण का कार्य हमारा सभी सेक्टरों में काफ़ी तेजी से चल रहा है। सारे विभागों का लक्ष्य ये है कि 20 दिसंबर तक हम लोग सारे कार्य कंप्लीट कर लें। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम प्रयागराज के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उप श्रम आयुक्त प्रयागराज राकेश द्विवेदी और उच्च न्यायालय की स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य सुभाष राठी शामिल हुए। इस मौके पर ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के छात्रों ने संविधान के ऊपर अपने विचार रखे। उप श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने कॉलेज के छात्रों को एक शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बोलते हुए उप श्रम आयुक्त ने संविधान को छात्रों को जानने के लिए विशेष रूप से कहा कि आज संविधान के बारे में छात्र छात्राओं को जानने की जरूरत है। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के उप निदेशक आरिफ रिजवी ने कहा कि 70 साल गुजर जाने के बाद भी संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की शुरुआत करके लोगों में जागरूकता पैदा की है। संविधान भारत के सभी नागरिकों को जानना चाहिए। जो हमारे किशोर वय के छात्र छात्राएं हैं, अगर इनको हम अभी से संविधान के प्रति, उसकी प्रतिबंधों के प्रति, उसके कर्तव्यों के प्रति अगर जागरूक करते हैं तो भविष्य में बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और उसका सम्मान करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों से ये दिवस मनाया गया है ताकि किशोर वय जितने भी हमारे छात्र छात्रा हैं, जितने भी लोग हैं, ये भविष्य में भारत के बहुत अच्छे नागरिक बने और हमारे सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास में साथी बने।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग 70वां साल में मतलब 70 वर्ष हो गए हमारे भारतीय संविधान को, और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 10, 20, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, लेकिन इस संविधान दिवस को मनाने के लिए कभी किसी ने विचार नहीं किया। और इस पर विचार किया तो उस व्यक्ति ने किया है कि जिसको इस वक्त देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी चर्चा का विषय बना है। मेरा मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से ये संविधान दिवस की शुरुआत हुई और लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरे देश भर में, विभिन्न राज्यों में, खासतौर से विधानसभाओं में, लोकसभा में, और सांसद और माननीय हमारे जो विधायक महोदय हैं बाकायदा संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए फिट इंडिया मूवमेंट से अब स्कूली बच्चे भी जुड़ रहे हैं। बरेली के प्राथमिक विद्यालय लखोरा में हर रोज बच्चों को योग कराया जा रहा है। योग करने से बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास हो रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें योग करना काफी पसंद है, इसलिए वो रोज सुबह जल्दी स्कूल आते हैं। विद्यालय में बच्चों को कक्षाएं शुरू होने से पहले 15 मिनट योग कराया जाता है। हमारे स्कूल में रोज योग होती है। अब प्रार्थना के बाद हमारे हम सब कक्षा 4 और 5 के बच्चे योगा करते हैं और सब बच्चों को मजा आता है योगा करने में। हमारे स्कूल में रोज योगा होता है और योगा करने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है। हम प्रार्थना के बाद रोज योगा करते हैं और इसीलिए हम जल्दी स्कूल आते हैं कि हमें योगा करने को मिलेगा और हमें हमारे शरीर हम योगा करते हैं तो हमारी हाइट भी बढ़ती है कुछ योगों से और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। जहाँ तक योगा की बात है, ये हमारे यहाँ एक उसका हिस्सा बन चुका है, शिक्षण प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। और बच्चों को एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, मांसपेशियाँ उनकी मजबूत रखने के लिए योगा हमारे जो प्रक्रिया स्कूल की एक्टिविटीज है उसका एक हिस्सा है। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये फिट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया है, एक हमारे यहाँ आदेश भी आए हुए हैं इसको करवाना है, तो इसको इस आदेश के पारित होने के बाद इसको और अच्छे तरीके से सभी स्कूलों में क्रियान्वित जो है वो किया जा रहा है। अब तो ये कहा गया है कि प्रार्थना के बाद डेली 15 मिनट योगा हम लोगों को विद्यालय में कराना ही कराना है, तो ये निश्चित रूप से उनका एक बहुत अच्छा कदम है। अगर हम बच्चों की जो मानसिक कहते हैं ना, शारीरिक गतिविधियां तो स्कूलों में होती रहती थी, सभी जगह होती है, लेकिन मानसिक रूप से बच्चों को कैसे सशक्त किया जाए, तो इसके लिए योगा निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा जो है वो शुरुआत सभी जगहों पर की गई है। भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त से 25 सितंबर 2019 तक पूरे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 कराया गया था, जिसमें कासगंज जनपद ने प्रदेश में द्वितीय रैंक हासिल करते हुए भारत में 28वीं रैंक पर अपना नाम दर्ज कराया है। जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और उनकी टीम द्वारा की गई मेहनत एवं जनपदवासियों के सहयोग से यह सफलता हासिल हो सकी है। इसे जनपदवासी काफी उत्साहित हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 तीन बिंदुओं पर आधारित था, जिसमें 100 अंक निर्धारित थे। पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें जनपद को 30 अंकों में से 27.44 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा सिटीजन फीडबैक, इसमें 35 में से 33.20 अंक प्राप्त हुए हैं। तीसरा सर्विस लेवल प्रोग्रेस, इसमें 35 अंकों में से 25 अंक प्राप्त हुए हैं। इस तरह जनपद ने कुल 100 अंकों में से 85.63 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर गोरखपुर जनपद रहा, जिसने कुल 100 अंकों में से कुल 85.66 अंक प्राप्त किए हैं। गोरखपुर जनपद ने भारत में 26वें पायदान पर अपना नाम दर्ज कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं, हमारे शौचालय हैं उनका पूरा प्रयोग किया जाए, जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं वो साफ सुथरे रहें, सड़कों पे लोगों के घूरा डालने की प्रवृत्ति थी जिसे पूरी तरीके से हटवाया गया, नालियों को साफ सफाई कराया गया, तालाबों की साफ सफाई कराई गई, खूब वृक्षारोपण अपने जनपद में कराया गया है, गंगा वन की स्थापना की गई, हम लोगों ने बूढ़ी गंगा का रिजुविनेशन हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से सफाई में इम्प्रूवमेंट होता है और सफाई हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे और हमारा जनपद अगले साल जो सर्वे हो, भारत सरकार द्वारा जो सर्वे कराया जाए, उसमें पूरे देश में अग्रणी रहे। कासगंज की जनता का सहयोग से हम उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आए हैं और हम लोगों ने नाच टीम को जो आए थे सत्यापन सर्वेक्षण करने के लिए, उनको ग्राम पंचायतों में भेज कर सीधा पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन कराया था, सिटीजन फीडबैक दिलाया था और हमारे जो परिसंपत्तियाँ ग्राम पंचायतों में सृजित हैं वहाँ स्वच्छता संबंधी कार्य कराया था, कहीं कोई गंदा पानी नहीं दिख रहा था, शौचालय प्रयोग हो रहा था,
पंचायत घर स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र सभी जगह में शौचालय बने हुए हैं, अच्छे उपयोग में हैं, जिससे हमारा जनपद उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थान पर आया है। अगर इरादा बुलंद हो तो असंभव कुछ भी नहीं, ऐसे बुलंद इरादे हैं जनपद कानपुर देहात की तहसील अकबरपुर की कंचन मिश्रा की, जो अपने गांव में नारी सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी हैं। कंचन मिश्रा के घर का फर्श भले ही कच्चा हो, लेकिन उनका इरादा पक्का है। घर के किचन में जरूर अंधेरा है, लेकिन क्षेत्र की लड़कियों के जीवन में वो उजाला कर रही हैं। कंचन का विवाह कम उम्र में होने के कारण वो अनेक परेशानियां झेली, लेकिन इसे चुनौती देते हुए उन्होंने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने और लड़कियों को पढ़ाने का अभियान शुरू किया, जिससे अब तक वो कई बाल विवाह रोक चुकी हैं। वो महिला समाख्या से जुड़ते स्वयं भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। शादी करना, कम उम्र में शादी करना, अगर लड़की लड़का 18 साल और 21 साल से कम है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अस्वस्थ रहेगा, वो उससे फलीभूत नहीं हो पाएंगे। और साथ में अगर कम उम्र में शादी हो रही है तो उससे उनके दोनों लोगों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बीमारियां होनी है। तो ऐसे करके थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है और बहुत सारे उदाहरण देने पड़ते हैं जो वर्तमान समय में। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत बाबूपुर नासिर दास बैडमिंटन एकेडमी में हुई, कल क्वालिफाइंग मैच खेले गए। कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर बुंदेलखंड का लोक नृत्य और झांसी के कई लोक नृत्यों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन विराज सागर दास समेत कई लोग मौजूद रहे। बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में हो रही प्रतियोगिता को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।